खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। अभी मेरे साथ हैं बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार जी, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये संकट मोचक माने जाते हैं। आप लगातार कोरोना संकट को लेकर काम कर रहे हैं, क्या स्टेज है अभी बिहार में? देखिए, बिहार में जो भी संक्रमण आया है वो बाहर से आया है, तो पहले इसी प्रेमाइसिस में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी तक जितने विदेशों से आए थे उन सबकी लगभग 100% जाँच हो गई है उसकी, और उससे केसेस, उसमें कुछ केसेस मिले हम लोगों को पॉजिटिव मिले और उस पर काम हो रहा है। तो उसके कारण क्या है कि सिवान में काफ़ी केसेस आए हैं, जो एक विदेश से जो लौटा था उसके जो कॉन्टैक्ट, उनसे केसेस आए हैं। उसी तरह से मुंगेर में बहुत सारे केसेस आए, वो भी एक पेशेंट के ही सारे कॉन्टैक्ट थे, केसेस आए, मगर वो बिल्कुल नियंत्रण में है, अभी भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो ट्रेसेबल हैं और उस पर काम हो रहा है। अभी जो स्थिति जो ख़राब लग रही है और जिसमें लगता है कि ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाएगा, वो है बेगूसराय में जो केसेस मिले हैं। बेगूसराय में कल 2 पॉजिटिव केस मिले और आज भी 2 पॉजिटिव केस मिले हैं। ये दोनों पॉजिटिव केस कहाँ से ओरिजिनेट किया है अभी तक नहीं पता चल रहा है। ये लोग कहते हैं कि मरकज़ के लोग हैं, मगर ये दिल्ली वाले मरकज़ में नहीं गए थे, वहाँ से इनका ट्रेस नहीं है लोगों का, तो गए नहीं हैं। तो ये जो बेगूसराय में जो केस मिला है ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए एक खतरनाक संकेत दे रहा है, मगर हम लोग लगे हुए हैं। आज हम लोगों ने करीब 5 गांवों को वहाँ पर एक तरह से बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ है कि हर आदमी का, किसी भी आदमी का मूवमेंट वहाँ नहीं होगा, और एक एक घर में लोगों की जाँच कराई जा रही है। तो स्थिति थोड़ी सी ख़राब बेगूसराय में है, मगर हमको लगता है कि हम लोग उसको नियंत्रण में कर रहे हैं, क्योंकि पूरी सीमाओं को सील कर दिया है, कोई मूवमेंट अलाउड नहीं हुआ। जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं उनसे कितना खतरा है संक्रमण का? देखिए, बाहर से जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन सभी का भी, जो लोग सिम्टोमेटिक पाए गए हैं उनकी जाँच कराई गई है। अभी इस समय में सिम्टम बहुत कम लोगों में पाया गया। हमारा कल तक ड्राइव चल रहा है प्रवासी मजदूरों को चेक करने का, तो जितने सिम्टम्स पाए थे सबकी चेकिंग कराई गई है, या तो निगेटिव आए हैं या लोगों में सिम्टम्स नहीं है। तो अभी भी उनका पीरियड क्वारंटाइन का ख़त्म नहीं हुआ है, जो आने के दिन से करीब 15 दिन हम लोग काउंट करते हैं, तो 11-12 तक हम लोग फिर दोबारा भी जाँच कराएंगे। तो अभी तक उनसे खतरा नहीं आया है। अभी तक जितने केसेस मिले हैं या तो विदेश से जो आए हैं उनसे केस मिला है, उनका लिंक है, या फिर ये जो 2 बेगूसराय में केस मिला है वो डिफरेंट डायरेक्शन में आया है। तो क्वारंटाइन में जितने प्रवासी मजदूर रखे गए हैं, खबर ये भी आ रही है, शिकायत आ रही है कि वो घर चले जा रहे हैं, बाजार चले जा रहे हैं। नहीं, इसके बारे में कुछ शिकायत आज हमारे पास भी आई थी, तो हम लोगों ने आज डायरेक्शन दिया है कि जितने थाना प्रभारी हैं अपने क्षेत्र में, जितने भी स्कूल क्वारंटाइन हैं, सभी में भ्रमण करेंगे डेली बेसिस पर, और लोगों को समझाएंगे, और दिक्कत और ज़रूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उनको क्या जिम्मेवारी दी गई? इस पूरे जो स्कूल का क्वारंटाइन है, इसके सुपरविज़न की, स्कूल में क्वारंटाइन है या गांव में जो लोग होम क्वारंटाइन में, पूरे का सुपरविज़न करने की जवाबदेही जनप्रतिनिधियों को दी गई है। मुखिया जी और पंच, सरपंच और जो उनके साथ जो लोग हैं, सदस्य हैं वार्ड, इन सभी को जवाबदेही दी गई है सुपरविज़न की। और जो स्कूलों में कैंप चल रहा है, क्वारंटाइन कैंप चल रहा है, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, वो भी पंचायतों के माध्यम से कराया। लॉकडाउन में जो लोग बिहार के बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए कैसे आप कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें 2 तरीके से सरकार काम कर रही है। एक तो है कि जितने बाहर के लोग हैं उनके लिए उन राज्य सरकारों से बात कर खाने की व्यवस्था की जा रही है, जिस पर हमारा पूरा रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस दिल्ली में, और यहाँ भी एक आपदा में हेल्पलाइन है, पूरा काम कर रहा है, और काफ़ी लोगों को बात करके सहायता पहुँचाई गई है। और दूसरा एक अनूठा प्रयोग किया गया है, हमको लगता है कि पूरे देश में शायद पहली बार बिहार में हुआ है, कि जितने लोग बिहार के लोग बाहर में हैं उन सभी के खाते में 1,000 रुपया करके दिया गया है इस समय में। तो एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया है, और अभी तक हमारे हिसाब से करीब 5 लाख से अधिक लोग, मजदूर लोग जो बाहर रह रहे हैं, वो रजिस्टर किए हैं बिहार के वेबसाइट पर, और करीब 2.5 लाख लोगों को पैसा चला भी गया खाते में। लॉकडाउन का पालन तो बिहार में हो रहा है, लेकिन शाम में सब्जी बाजार में बहुत भीड़ लग रही है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा, और इसके लिए भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है। जानकारी हमारी जानकारी में आई है, अभी हम लोग वीसी भी कर रहे हैं, इसको हम लोग टेक कर रहे हैं। सर, लॉकडाउन बढ़ेगा? अब ये तो निर्णय अभी केंद्र सरकार को पहले लेना है, तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है, उसके हिसाब से हम लोग काम। तो राज्य सरकारों ने भी तो बढ़ा लिया है लॉकडाउन, कई जगहों पर बढ़ा दिया गया है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप फिर काम करेंगे। बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने से चुनौती बढ़ेगी, क्योंकि ये तो गरीब राज्य है, मजदूर ज़्यादा है, रोज कमाते हैं। देखिए, लॉकडाउन का फायदा तो है, मगर लॉकडाउन का नुकसान भी है, एक बड़ी आबादी को इफेक्ट भी करता है। तो एक बैलेंस व्यू लेना पड़ता है,
कि हम लॉकडाउन बढ़ाएं भी और लॉकडाउन बढ़ाने से जो कठिनाइयां उनको दूर भी करें। तो हम लोग ने रिकमेंड किया है भारत सरकार को कि हम लोग चरणों में इसको लॉकडाउन अगर रिलैक्स करना है तो चरणों में रिलैक्स करें, पहले गांव में रिलैक्स करें ताकि गांव में लोग मजदूरी कर सकें, काम कर शुरू कर सकें, उसके बाद ऊपर हम लोग शहरों तक आएँ। मगर देखते हैं भारत सरकार का जो निर्णय है उसके बाद कार्रवाई करें। जो कोरोना के इलाज के लिए ज़रूरी संसाधन है, साधन है, दवाइयाँ हैं, मास्क है, वेंटिलेटर है, सब कुछ आपको पर्याप्त मात्रा में है? नहीं, पर्याप्त तो नहीं कहेंगे, मगर जो सप्लाई चेन शुरू हो गया है इसलिए आना शुरू हो गया है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो भारत सरकार से और कुछ मांग हुई है? नहीं, जो भी मांग हुई है उसको वो मिलना शुरू हो गया है। बिहार के लोगों के लिए क्या आपकी अपील है, क्या संदेश है सर? देखिए, अभी बिहार के लोगों से हम लोग यही अपील करेंगे कि वे लॉकडाउन का बिल्कुल पालन करें, घरों में रहें, क्योंकि अगर घर में नहीं रहेंगे तो पता नहीं ये महामारी किस रूप में जाएगी, किसी को पता नहीं है, और कहाँ तक पीक जाएगा नहीं पता है। तो अभी सबसे बड़ा उपाय है लोग घर में रहें, अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसकी सूचना दें लोगों को, हम लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट सूचना दें, हम लोग उनकी कार्रवाई करेंगे। मगर है कि सबसे बड़ा उपाय है कि लोग अपने घर में रहें इस पीरियड में, यानी लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, तभी आप जीतेंगे, कोरोना हारेगा। श्रीकांत प्रत्युष, जनतंत्र टीवी, पटना। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।